आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ, वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण सुनील राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दया शंकर मिश्रा दयालु जी, वाराणसी के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण डॉक्टर नीलकंठ तिवाड़ी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, सुनील पटेल जी, त्रिभुवन राम जी, अशोक धवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, और आज काशी के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी काशी के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में बाबा विश्वनाथ के पावन धरा पर आप सब की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सब का यह गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लो वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी अनुभव कर रहा है, और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे, आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं, या उनका लोकार्पण होने जा रहा है, या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ, नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े, उन 20 बड़े देशों का, G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हरेक क्षेत्र में
चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक ओर भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व देन पिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है, वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लीना, और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है। जब एक माननीय न्यायालय ने
उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान भाइयों बहनों किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है, और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने भारत के अंदर देखा होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर किस रूप में गरीब कल्याण का कार्य बिना भेदभाव के सबको आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा देना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ देना, करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करना और करोड़ों लोगों के जीवन में जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर विकास की उन सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम। एक तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने सबका साथ और सबके विकास के इस नारे के साथ जमीनी धरातल पर व्यवहारिक धरातल पर इन सभी संकल्पों को उतरते हुए देखा है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी का यह बयान और राहुल गांधी का यह बयान इस बात को एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि न तो गरीब के बेटे को, वंचित और पिछड़े के बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर जाना भी अच्छा नहीं लगा, और देश की प्रगति और देश के लोकतंत्र के फलते फूलते स्वरूप को भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है भाइयों बहनों, यह देश की जनता गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज और देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी, उन लोगों से जरूर लेगी जो लोग भारत को अजाने अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज एक बार फिर से नव्य और भव्य काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, अनेक योजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में आए हैं। काशी के प्रति उनका आध्यात्मिक लगाव है, काशी जैसे उनके रग रग में बसी है, काशी में उनकी उपस्थिति प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील और विकास के कार्य के प्रति अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने अपनी विधानसभाओं में कैसे कार्य किया जाना चाहिए इसके प्रति भी सचेत करती है। आज एक बार फिर से आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी होगी। मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से आपका बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वाराणसी शहर